हेलो स्टूडेंट्स यार, काफ़ी सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि भैया जो हमारे रिजल्ट कार्ड है या फिर स्कोर कार्ड है या फिर जो हमारे इंडिविजुअल स्कोर है, कितना आया है, कितना नंबर आया है, वो कब रिलीज किया जाएगा। तो जो है यार, वो फाइनली रिलीज कर दिया गया है। आप जो है अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि आपके टोटल जो मार्क्स है वो कितने आए हैं। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, और जस्ट जो भी है केयूपीवाई में आई सर के लिए और आईएएससी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, उसका जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आप अपना स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। सर, ये जो है ये बेसिक साइट है जो कि आप हमेशा विजिट करते हैं। ओके, तो अब आपको क्या करना है केयूपीवाई के स्कोर के लिए, अब आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे ये नॉर्मल वेबसाइट है तो आपको जो केओपीवाई 2022 प्रोविजनल फेलोशिप अवार्ड ये दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर जाते हैं तो जस्ट ये जो सिंपल हमें डिटेल दी गई है कि जो केओपीवाई की स्कॉलरशिप के लिए कितना कट ऑफ गया है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड तो जो है फिर से एक तो बड़ी अपडेट ये है कि जो एक्सटेंड कर दी गई है मेरिट लिस्ट। ओके, सो पहले तो आप जो है ये चेक कर सकते हो, जो मेरिट लिस्ट है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। ओके, सो ये देख सकते हैं आप, ये रैंक जो है 977, ये मतलब कुछ बच्चों को और को भी डाला गया है, पहले जो थे वो तो है ही, कुछ और भी डाले गए हैं देख सकते हो ये। ओके, सो आप सभी का बहुत ही फायदा फायदा हुआ है। तो जिन भी बच्चों का पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था वो अपनी लिंक लिस्ट जो है फिर से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे यार बच्चों का फिर से और ही ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। ओके, एंड कुछ मतलब एडिटिंग वगैरह भी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो यार घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो ये जो जनरल कैटेगरी का ऐसे के लिए 2590 रैंक, ठीक है, देख सकते हो आप यार, जस्ट एक नंबर पे भी कितना फर्क पड़ सकता है, कितने बच्चे 2590 पे आए हैं। देखो आप 2590 रैंक, ये देखो 2519, 2590, कितने बच्चे आ गए जनरल कैटेगरी में। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया बीच वाले कहाँ गए, यार बीच वाले अदर अदर कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। द कैंडिडेट इन द एक्सटेंड लिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर केओपीवाई फेलोशिप। अच्छा, फेलोशिप के लिए अवेलेबल नहीं है, गुड, ये तो गलत बात है। सो यार, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार सभी को मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप जो अपना लिस्ट पर से चेक करिए और अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो भी फिर से चेक करें। ठीक है, अब आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, आपके कितने स्कोर आए हैं, इसके साथ ही जो यहाँ पे दो लिंक दिए गए हैं आईएएससी यूजी के लिए और आईसर के बीएसएमएस प्रोग्राम के लिए, आप जैसे इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो आपको जो भी है आईसर के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी अपडेट मिल जाती है। केओपीवाई के रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी जो है ओपन कर दिए जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आईसर के रिगार्डिंग एक अच्छी अपडेट आ रखी है कि आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट भी विल बी ऑन 3 जुलाई 2 से 5 PM, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जाम सेंटर 1:30 PM। ओके, अब अपन चलते हैं अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख जो है रिजल्ट का ऑप्शन दिया गया है, ये रहा रिजल्ट। ओके, तो रिजल्ट पे ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं एंड जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेक योर केओपीवाई मार्क्स, क्लिक है टू चेक योर मार्क्स, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मांगता है, तो मैं क्या करता हूँ अब अपना एप्लीकेशन नंबर डालता हूँ और डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ अभी। सर, जैसे कि देखो मैंने अपना यूजर आईडी डाल दिया है, DD डाल दिया, MM डाल दिया, EA डाल दिया, ये सब डालने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो मैंने जो है कंटिन्यू पे सर, आपको जो है ऐसे ऐसे कुछ आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम शो कर रहा है, यहाँ पे आपका रोल नंबर शो कर रहा है, इसके साथ ही आपकी कौन सी स्ट्रीम थी ये शो कर रही है, इसके साथ ही आपके 100 में से कितने मार्क्स आए, जैसे 2 नंबर, 3 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, ऐसे ऐसे जो आपका नंबर शो कर रहा है, और आपके कितने मार्क्स आए हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे,
और मैं उसको जो इंडिविजुअल रिप्लाई करूंगा कि उसका आईसीए में होगा, आईएससी में होगा, कौन से डिपार्टमेंट में होगा, किसका कितना जाता है। तो नीचे जो है मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि उनके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर उनके साथ कोई मतलब जितना करके आए थे, जितना एक्सेप्टेड कर रहे थे, उतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जस्ट एडमिशन के रिगार्डिंग जो है आप मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एडमिशन इन आईएएससी, आईशर एंड टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पा रहा है इन जस्ट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट को जो है क्यूपीवाई स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है। एंड जो है आप अगर क्यूपीवाई की कोचिंग लेना चाहते हैं देन जो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया उसको फिल कर सकते हैं। और हमने जो है इस बार 2 डिजिट और 1 डिजिट के अंदर भी रैंक्स निकाले हैं, ठीक है। तो जस्ट थैंक यू सो मच, और खूब पढ़ते रहिए, और केओपीवाई अगले साल वाले की प्रिपरेशन करें, केओपीवाई एस ए वाले बच्चे, ठीक है। थैंक यू।